नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए गणित का एक बेहतरीन चैलेंज लेकर आया हूं। यहां पर आप देख सकते हैं हमने संख्याओं को तीन बार लिखा है। देखिए यहां पर हमने तीन को तीन बार लिखा है, चार को तीन बार लिखा है, पांच को तीन बार लिखा है, छह को तीन बार लिखा है और सात को भी तीन बार लिखा है। लेकिन भाई आपके लिए चैलेंज केवल इतना है कि इन तीनों संख्या जो दिख रहा है, जो भी संख्या आपको दिखाई दे रहा है, इनमें कौन कौन सी संख्या का हम प्रयोग करें। यहां पर आप गणित के सभी संख्याओं का प्रयोग कर सकते हैं और आपको उत्तर में लाना है छह। जी हाँ दोस्तों, जैसे यहां पर चार का तीन बार आपको प्रयोग करना है और उत्तर में आपको कितना लाना है, छह लाना है। यहां पर देखिये सभी में आपको छह ही लाना है। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग इस चैलेंज को स्वीकार कीजिए और निश्चित रूप से आप लोग इसको स्वीकार करेंगे और उत्तर मुझे जरूर बताएंगे। जैसे तीन को तीन बार लिखेंगे और इसमें कौन से संख्या का प्रयोग करेंगे कि उत्तर छह आ जाए, उसी प्रकार चार को हम तीन बार लिखते हैं और इसमें कौन कौन से संख्या का प्रयोग करेंगे कि उत्तर छह आ जाए। निश्चित रूप से सभी प्रश्न बहुत ही आसान है और निश्चित रूप से ये गणित का बेहतरीन चैलेंज भी है। तो दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो इस चैनल के माध्यम से अपलोड किए जाते हैं और आपने इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और आल को टच कर दीजिएगा। ये देखिए, ये सभी प्रश्नों को हम बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न को मैं नीचे से बना रहा हूं क्योंकि हो सकता है यहां पर आपको जो प्रश्न दिख रहा है इसको हम कैसे बनाएं ऐसा लग रहा होगा। तो निश्चित रूप से सभी प्रश्न बहुत ही सरल सा है, तो हम नीचे से बनाना प्रारंभ करते हैं। जैसे सात को हम अगर तीन बार लिखते हैं और इसमें हम जोड़ घटाओ गुणा भाग की संख्या का प्रयोग करते हैं तो छह कब आएगा। निश्चित रूप से इनमें से हम क्या करें, किसी एक संख्या को, ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल तरीके से हम बना सकते हैं। यदि यहां पर मैं क्या करता हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल तरीके से बना सकते हैं। यदि यहां पर मैं भाग की संख्या लगा दूं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं भाग की संख्या लगा दूं और यहां पर मैं क्या कर दूं, यदि माइनस की संख्या लगा दूं, मतलब घटाव की संख्या लगा दूं, तो इसको हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि अगर जोड़ घटाव और भाग की संख्या दिया हो तो भाग की संख्या को पहले हल करते हैं। निश्चित रूप से यदि हम भाग की संख्या को पहले हल करेंगे तो सात को सात से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, सात एक कम सात, यहां पर तो सात को भाग देंगे सात तो एक आएगा और जब हम सात में एक को घटाएंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, छह आ जाएगा। यहां पर तो हो गया, लेकिन भाई इसी प्रकार के संक्रिया का प्रयोग हम यहां पर कैसे करें क्योंकि यहां पर तो छह पहले से आया हुआ है और हमें छह ही लाना है। तो निश्चित रूप से ये तो बहुत ही आसान है, हालांकि इसको आप दो तीन प्रकार से ला सकते हैं। जैसे अगर यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर अगर आप प्लस की संक्रिया लगा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप प्लस लगा देते हैं और यहां पर माइनस की संख्या लगा देते हैं तो निश्चित रूप से इसका उत्तर तुरंत आ जाएगा क्योंकि यहां पर देखिए छह में छह को घटाएंगे तो शून्य आएगा, फिर छह में शून्य को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, छह आ जाएगा। और अगर इसको आप दूसरा प्रकार से लाना चाहते हैं, मतलब गुणा और भाग की संख्या से लाना चाहते हैं, तब भी इसको आप ला सकते हैं, लेकिन भाई थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। जैसे यहां पर आपको क्या करना है, अगर यहां पर आप भाग की संख्या लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, भाग की संख्या लगाते हैं और यहां पर आपको गुणा की संख्या लगाना पड़ेगा क्योंकि हम जानते हैं कि छह को छह से भाग देंगे, हम जानते हैं बोड़ा मास में गुणा और भाग की संख्या एक साथ हो तो भाग की संख्या को पहले हल करते हैं तो छह भागी छह हो जाएगा, मतलब एक हो जाएगा और छह में एक से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, छह आएगा। यहां पर भी आसानी से उत्तर आ गया। अब भाई इसी ट्रिक का प्रयोग हमें यहां पे करना है और यहां पर तो ऐसा लग रहा है कि यहां पर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन भाई ध्यान दीजिए, अगर आप गणित को समझते हैं ना तो बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। देखिए हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं ना और प्रश्न जो है कठिन होता जा रहा है। देखिए यहां पर हम कैसे बनाएंगे, इसमें भी आपको क्या करना है, भाग की संख्या ही लगाना होगा। देखिए अभी तक हमने नीचे में तीनों में भाग की संख्या लगाया है लेकिन यहां पर संख्या बदल जा रहा है, यहां पर हमने माइनस का लगाया, यहां पर गुना का लगाया, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, अगर प्लस की संख्या लगा दे, ध्यान दीजिएगा, तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको गलती नहीं करना है। जब भी हम जानते हैं कि बोड़ा मास का नियम ये कहता है अगर प्लस का संख्या और भाग की संख्या एक साथ दिया हो तो आपको भाग की संख्या को पहले हल करना है। यहां पर आपको किसी प्रकार का ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, बोड़ा मास का नियम ही कहता है कि यहां पर पांच को आपको पांच से भाग देना है तो पांच को पांच से भाग देंगे कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, फिर पांच में आपको एक जोड़ना है तो उत्तर कितना आ जाएगा, छह आ जाएगा। यहां पर भी बहुत ही आसानी से आप इस प्रकार के प्रश्न को बना सकते हैं, लेकिन भाई यहां पर छह लाना बड़ा कठिन काम है, लेकिन हम बहुत आसानी से यहां पर भी छह ला सकते हैं। देखिए यहां पर कई प्रकार से आप लग सकते हैं, मैं केवल यहां पर एक या दो मेथड ही बता रहा हूं और इसी प्रकार के गणित आपके माइंड में चल रहा होगा ना तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा उस प्रकार के वीडियो को ताकि मैं बना सकूं। देखिए यहां पर आपको क्या करना है, मुझे यहां पर अगर मैं प्लस की संख्या लगा दूं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर मैं प्लस की संख्या लगा देता हूं
और यहां पर अगर मैं भाग की संख्या लगा दूं, लेकिन यहां पर देखिए अगर हम इसको डायरेक्ट ऐसा हल करते हैं तो हमारा उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर देखिए प्लस है और यहां पर भाग की संख्या है, तो यहां पर चार को चार से भाग देंगे तो एक आएगा, फिर चार में एक जोड़ेंगे तो पांच आएगा, यहां पर तो छह नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर जो संख्या लगा रहे हो, यहां पर भाग की संख्या लगा रहे हो, यहां पर जो चार है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको वर्गमूल में लगाना है। ठीक है, इसको आप वर्गमूल में लिख दीजिएगा। अब जब इसको आप वर्गमूल में लिखेंगे ना, तो इसको जब आप हल करेंगे, जो वर्गमूल में है उसको हम हल करेंगे, तो हमारा उत्तर कितना आएगा, यहां पर आ जाएगा दो। और मैंने कहा था गणित के आपको सारी संख्याओं का प्रयोग कर लेना है, तो यहां पर दो आएगा। आप देखिए चार को आप दो से भाग दीजिएगा, चार को दो से भाग देंगे तो यहां पर दो आएगा, फिर चार में हम दो को जोड़ेंगे, क्योंकि भाग की संख्या को पहले हल करते हैं, तो निश्चित रूप से यहां पर भी कितना आएगा, यहां पर भी छह ही आएगा। ये हो गया। लेकिन दोस्तों यहां पर सबसे समस्या ये है कि इसको हम कैसे हल करेंगे, क्योंकि यहां पर देखिए यदि यहां पर मैं भाग की संख्या लगा दूं या गुणा की संख्या लगा दूं, चलो यहां पर मैं भाग की संख्या लगाता हूं और यहां पर गुणा की संख्या लगाता हूं, तो यहां पर छह नहीं आ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं बोड़ा मास का नियम ये कहता है कि हमें भाग की संख्या को पहले हल करना है, और यदि हम पर हम भाग की संख्या को पहले हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा भाग की संख्या को हम पहले हल करते हैं, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, यहां पर तो एक आ जाएगा, फिर एक में तीन को गुना करेंगे तो यहां पर कितना आ रहा है, तीन आ रहा है, जबकि हमें उत्तर कितना लाना है, छह लाना है। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न को बनाते समय एक छोटा सा सावधानी बरत लेना है। अब देखिए दोस्तों इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहां पर तो पूरा कंफ्यूजन लग रहा है, क्योंकि तीन को हम तीन बार लिख रहे हैं और इसमें कौन कौन से संख्या का प्रयोग करें कि उत्तर कितना आ जाए, छह आ जाए। तो भाई यदि यहां पर हम गुणा भाग जोड़ घटाव की संख्या का प्रयोग करते हैं, तो अगर इसको मैं जोड़ देता हूं तो छह हो जाएगा, लेकिन इसको हम फिर से कुछ ना कुछ संख्या लगाएंगे तो छह नहीं होगा। तो हम यहां पर हल कैसे करें, निश्चित रूप से इसको ध्यान से आपको हल करना पड़ेगा। यदि यहां पर मैं भाग की संख्या लगा देता हूं, ध्यान दीजिएगा यहां पर मैं भाग की संख्या लगा देता हूं, और यहां पर अगर मैं गुणा की संख्या लगा दूं तो हमारा उत्तर कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा यहां पर गुणा और भाग की संख्या लगाएंगे तो हमारा उत्तर नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए हमें कुछ नए ट्रिक का प्रयोग करना पड़ेगा, मतलब यहां पर क्या करना है, भाग की संख्या हमें नहीं लगाना है। अगर हम भाग की संख्या लगाएंगे ना तो हमारा उत्तर नहीं आ पाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर यहां पर माइनस की संख्या लगा दें, यहां पर माइनस की संख्या लगा दें, अब बोड़ा मास का नियम कहता है अगर गुना और माइनस की संख्या एक साथ हो, तो हमको ये तो पता है कि हम गुना की संख्या को पहले हल करेंगे, तो निश्चित रूप से तीन को तीन से अगर हम गुना करते हैं तो तीन तीन नौ आएगा, मतलब यहां पर कितना आ जाएगा, इसको यदि हम गुना करते हैं तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, यहां पर तीन तीन नौ आ जाएगा। ठीक है, और नौ में आपको तीन को घटाना है, जब नौ में तीन घटाएंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, छह आ जाएगा, जो बहुत ही आसानी से आ गया। निश्चित रूप से इसी प्रकार आप भी बना सकते हैं और बहुत प्रकार के प्रश्नों को इसी प्रकार आप हल कर सकते हैं। दोस्तों निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।